I am Piyali from Kolkata. So today is 4th May. So आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है कोफ्ता कड़ी. तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले का कोफ्ता कड़ी. उसके लिए मैंने 3 कच्चे केले को ले लिया है. पहले उसको हम अच्छे से धो के बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर में. बॉईल करने के बाद जब हम उसे निकाल लेंगे उसका छिलका को हम लोग पील ऑफ कर लेंगे और अलग जगह पे रख देंगे. अब हम उस उबले हुए केले पे डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच बेसन. फिर उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च स्वाद अनुसार. और हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा मीन्स 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर. कढ़ाई पे ऑयल गरम हो जाने पर हम जो मैश किया हुआ कच्चा केला है उसको हम छोटे छोटे बड़े के साइज में तेल में फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे. जब अच्छे से फ्राई हो जाए और रेडिश कलर आने लगे तो उसको हम तेल से निकाल लेंगे और अलग से रख देंगे. और जो बाकी बचे हुए बड़े का मिक्स है उससे हम वड़ा बना लेंगे. जब तक इधर वड़ा फ्राई हो रहा है उस बीच हम कड़ी का मसाला रेडी कर लेंगे. उसके लिए हमें चाहिए 1/2 कप पीनट या बादाम, जो चीना बादाम है. बादाम को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे
और उसका एक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें हम ऐड कर देंगे 2 टमाटर, थोड़ा सा अदरक और 2 साबुत हरी मिर्च और रोस्टेड गरम मसाला और 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड जीरा। तो इस सब का एक पेस्ट बना के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें हल्दी, स्वाद अनुसार चीनी और नमक डाल के हम जो कढ़ाई पे अलग से तेल गरम है उस पे साबुत जीरा और साबुत गरम मसाला का तड़का लगा के हम उस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाए और उसमें से तेल छोड़ने लगे, तब हम जो कोफ्ता वड़ा है उसको हम ऐड कर देंगे उस मसाले पे, और थोड़े देर पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब इट और लाइक इट। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।